खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ले चलते हैं आपको आज की ताजा खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के शहडोल व्यवहारी से। व्यवहारी पुलिस ने की बड़ी दो कार्यवाही, 3.5 किलो गांजा में 31 सीसी कोरेक्स बरामद कर 3 आरोपियों को भेजा जेल। शहडोल जिले के व्यवहारी पुलिस ने की एक साथ दो बड़ी कार्यवाही। आरोपी राजेंद्र खैरवार पिता विशाले खैरवार उम्र 61 वर्ष निवासी खामखांड के पानठेले से 3.5 किलो गांजे के सहित गिरफ्तार कर भेजा जेल। बताया जाता है कि आरोपी वर्षों पूर्व से चोरी छुपे अपने ही पानठेले में रख कर रहा था अवैध गांजे की बिक्री। दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह और नीलेश कुमार गुप्ता व्यवहारी के द्वारा 31 नग कोरेक्स नशीली दवा मोटरसाइकिल में बिक्री करने ले जाते हुए रास्ते में किए गए गिरफ्तार। बताया गया आरोपी मोटरसाइकिल में सफेद रंग की लाल पट्टी वाले झूले में रखकर बिक्री करने जा रहे थे। पुलिस द्वारा सूचना मिलते ही मोटरसाइकिल को खड़ी कर तलाशी लेने से हुई नशीली दवा बरामद। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश बैस, MSDOP भविष्य भास्कर के मार्गदर्शन पर व्यवहारी थाना प्रभारी अनिल कुमार पटेल के नेतृत्व में हुई कार्यवाही। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए शहडोल व्यवहारी से दुर्गेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। से 3 किलो 500 ग्राम गांजा जिसकी कीमत 35,000 रुपए है जब्त किया गया। उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 761/21 धारा 8/33 CC को नशीले कब से रखी जब्त की गई। उनके संबंध में उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए, जिसमें दोनों संदेहों के विरुद्ध 8/21/22 NDPS एक्ट और 5/13 मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है।